थंडरबोल्ट डॉन दाऊद इब्राहिम को कौन नहीं जानता। दाऊद इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक है। उनके ऊपर साल 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट, किडनैपिंग, बॉलीवुड स्टार को धमकाना, उनसे फिरौती वसूल करना, क्रिकेट में सट्टेबाजी का रैकेट चलाना, इस तरह के कई सारे गुनाह हैं। तो वहीं कई बार दाऊद को कई बॉलीवुड सुपरस्टार्स के साथ भी देखा गया। सलमान खान से लेकर अनिल कपूर और संजय दत्त तक दाऊद की काफी गहरी दोस्ती बताई जाती है। लेकिन इंडस्ट्री में एक शख्स ऐसा भी है जिसे मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद अपना बड़ा भाई मानते हैं और उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी या उन्हें धमका नहीं सकते हैं। वह अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वो सुपरस्टार जिसे दाऊद खुद डरते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड से तगड़ा कनेक्शन रहा है। 90 के दशक में कई सारे बॉलीवुड सितारे दाऊद की पार्टी की शान हुआ करते थे, कोई डर से तो कोई डॉन से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए। कुछ सितारों को अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने के लिए काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड से बॉलीवुड सितारों की दोस्ती तो कभी उन्हें धमकी या मौत जैसी खबरें आती रहती थी। कुछ बॉलीवुड सितारों की तस्वीरें भी दाऊद के साथ अक्सर सामने आई, जहां वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ दिखाई दिए। वहीं कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के साथ दाऊद की लव स्टोरी की खबरों ने भी सबको हैरान कर दिया। लेकिन इंडस्ट्री के दादा यानी कि जैके श्रॉफ और दाऊद का रिश्ता इन सबसे बिल्कुल अलग था। दरअसल जैके श्रॉफ एक फिल्म में काम कर रहे थे जिसके प्रोड्यूसर थे समीर और हनीफ। फिल्म का एंड पार्ट शूट करना बाकी था जबकि फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग हो चुकी थी। इस फिल्म में उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही थी एक्ट्रेस दिव्या भारती। लेकिन जैके श्रॉफ का काफी बिजी शेड्यूल चल रहा था। हनीफ और समीर जैके श्रॉफ को समझाने में लगे थे कि वो फिल्म की शूटिंग जल्दी ही पूरी कर ले। लेकिन जैके श्रॉफ ने साफ कह दिया कि उनके पास अभी डेट्स बिल्कुल भी खाली नहीं है। समीर और हनीफ को लगा कि फिल्म अगर टाइम पर रिलीज नहीं होती तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। समीर और हनीफ की अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी और तब उन्होंने जैके को धमकाने के लिए दाऊद इब्राहिम से बात की। दाऊद ने समीर से पूछा किसे धमकाना है। जैसे ही समीर ने कहा कि जैके श्रॉफ को धमकाना है तो दाऊद ने यह काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया और उन्हें कह दिया कि ये काम उनसे बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जैके श्रॉफ को वो तब से जानते हैं जब वो 3:32 सिग्नल पर रहा करते थे। तब से लेकर आज तक जैके और दाऊद काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और दाऊद उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि जैके श्रॉफ को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अपना बड़ा भाई भी मानते हैं। ये सुनकर फिल्म के मेकर्स भी काफी ज्यादा हैरान रह गए और उसके बाद समीर और हनीफ ने डेट्स के लिए कभी दोबारा जैके श्रॉफ को परेशान ही नहीं किया और उन्हें ये भी समझ आया कि जैके श्रॉफ की पहुंच और पहचान सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री से बाहर भी काफी है और आज उसी के चलते जैके श्रॉफ को सब जैके दादा भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको जैके श्रॉफ और दाऊद इब्राहिम के इस भाई वाले रिश्ते के बारे में जानकर कैसा लगा और आपको जैके श्रॉफ की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी, उसका नाम हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही मजेदार किस्से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।